हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज 2 अक्टूबर 2021 और आज की इस वीडियो हम लोग 2 अक्टूबर के दैनिक रोजगार समाचार को देखेंगे। यहाँ पे आप लोग मुख्य खबरें देख सकते हैं। इन सभी खबरों को अभी हम लोग डिटेल में देखेंगे। जैसे डीएलएड में अभी कुल कितने सीटें खाली हैं, विभिन्न पदों पर बम्पर भर्ती है, पूल काउंसलिंग में एडमिशन लेने से स्कॉलरशिप आती है कि नहीं आती है, यूपी बीएड काउंसलिंग 2021 को लेकर अपडेट है, और इस वीडियो में सबसे इम्पॉर्टेंट डाउट है कि जिनको कॉलेज मिल गया है क्या वो दूसरी बार करवा सकते हैं काउंसलिंग या नहीं। तो पूरा वीडियो आप लोग ध्यान से देखिएगा ताकि आपका डाउट क्लियर हो सके, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को कॉलेज मिल गया है, वो लोग कॉलेज बदलना चाहते हैं, तो बदल सकते हैं कि नहीं सकते हैं, तो पूरा वीडियो आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको डेली मॉर्निंग में ऐसी अपडेट चाहिए तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। 2021 में अगर आपको बीएड करना है तो आप लोग इस चैनल से जुड़े रहें। जो भी बीएड की अपडेट रहेगी वो अपडेट आपको सबसे पहले मेरे चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगी। एडमिशन हो जाता है तो उसमें जैसे प्रैक्टिकल फाइल कैसे बनाई जाती है, टीचिंग कैसे होती है, एग्ज़ाम में कॉपी कैसे लिखें ताकि हमारा अच्छा परसेंटेज आ सके, तो ये सारी जानकारी आपको मैं बीच बीच में देता रहूँगा। सबसे पहली खबर है डीएलएड को लेकर कि डीएलएड 2021 की जो है अभी भी 132,766 सीटें खाली हैं अभी भी। यानी कि आवेदन तो इस बार बहुत आए थे बट एडमिशन बहुत ही कम लोगों ने लिया है। टोटल बात करें डीएलएड की सीट जो है वो है 228,900। टोटल जो डीएलएड की सीट है 228,900 और इसमें 228,900 में से मात्र 96,134 सीटों पर ही अभ्यर्थियों ने प्रवेश लिया है। 132,766 सीटें खाली रह गई हैं, तो बहुत बड़ा झटका लग रहा है। इस बार मात्र 96,134 अभ्यर्थियों ने जो है प्रवेश लिया है, 132,766 सीटें खाली रह गई है। कल जो है अंतिम डेट थी इसकी काउंसलिंग की, यानी कि इसका जो है रिजल्ट आया था कल अंतिम चरण का। उसके बाद यहां पर देख सकते हैं 6 अक्टूबर को होगी 5 पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षा BHU, BSc, AG और BEd की नई तिथियां जारी हुई हैं। यहां पर देख सकते हैं 5 पाठ्यक्रमों की, जैसे आपका BSc AG हो गया एंड BEd स्पेशल एजुकेशन समेत 5 पाठ्यक्रमों की परीक्षा टाल दी गई है। उसकी नई तिथि की घोषणा शुक्रवार को NTA की ओर से कर दी गई है। ये परीक्षाएं 6 अक्टूबर को कराई जाएंगी। 28 सितंबर से 4 अक्टूबर तक प्रवेश परीक्षा कराने का जो शेड्यूल जारी किया गया था उसमें 3 अक्टूबर को होने वाली BSc AG यानी कि एग्रीकल्चर, 29 सितंबर को होने वाली BEd मैथमेटिक्स, BEd स्पेशल एजुकेशन, BEd ह्यूमैनिटी एंड स्पेशल साइंस और BEd की परीक्षाएं टाल दी गई हैं। 1 अक्टूबर को NTA की वेबसाइट पर जारी नोटिस के हिसाब से 3 अक्टूबर को BSc AG की टली परीक्षा 6 अक्टूबर को पहली पाली में सुबह 8 से 10 बजे कराई जाएगी, क्योंकि या जबकि 29 अक्टूबर को टली सभी 4 पाठ्यक्रमों की परीक्षा 6 अक्टूबर को दूसरी पाली में 12:30 से 3 तक जो है कराई जाएगी। 3 अक्टूबर को BA ऑनर्स सोशल साइंस और BA ऑनर्स आर्ट्स ऑफ MA हिंदू स्टडीज समेत 10 पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षा कल कराई जाएगी। इसमें BA ऑनर्स में छात्र संख्या अधिक होने की वजह से सभी परीक्षाएं OMR पर आधारित होंगी, तो 6 अक्टूबर को जो है इसका एग्ज़ाम होगा। उसके बाद यहां पे देख सकते हैं शॉर्ट सर्विस कमीशन के जरिए करें आवेदन कहां पे, भारतीय सेना में। टोटल पदों की संख्या है 189, ये वेबसाइट है और पात्रताएं वगैरह देख सकते हैं अच्छे से आप लोग। और आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो है 27 अक्टूबर 2021, ऑनलाइन इसका फॉर्म भरा जाएगा। सीनियर रेजिडेंट के पदों पर साक्षात्कार हैं, यहाँ पर देख सकते हैं टोटल 22 पद हैं और ये वेबसाइट हैं। पात्रताएं वगैरह आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं और साक्षात्कार की जो तिथि है इंटरव्यू की वो है 4 अक्टूबर। डाक विभाग में विभिन्न रिक्तियाँ हैं, कहाँ से, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट से हैं। ब्रांच पोस्ट मास्टर हो गया, असिस्टेंट पोस्ट मास्टर हो गया। 18 से 40 आयु सीमा है और यहाँ पे वेतन वगैरह देख सकते हैं 14,500-12,000 और आवेदन शुल्क इसमें है 100 रुपये और आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो है 29 अक्टूबर। इसमें जो है आपका हाई स्कूल की मेरिट के बेस से आपका इसमें सिलेक्शन होगा। 90+ अगर आपका हाई स्कूल में है तो आप लोग भर सकते हैं इस फॉर्म को, ये वेबसाइट है, अधिक जानकारी के लिए ले सकते हैं। कंसल्टेंट्स के पदों पर अवसर हैं, टोटल 11 पद हैं, ये वेबसाइट है, आप लोग आवेदन कर सकते हैं।
उसके बाद जैसे अगर आप लोग सी टेट का फॉर्म भरे हैं तो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हम कौन सी बुक पढ़ें सी टेट एग्ज़ाम के लिए ताकि हमारा स्कोर आ जाए, तो आप लोग चक्षु पब्लिकेशन की ये बुक्स ले सकते हैं। इनकी गाइड भी आती है और पांचों सब्जेक्ट की अलग अलग बुक भी आती है, साथ ही प्रैक्टिस सेट की भी बुक आती है। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आपको प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने की आवश्यकता होगी, प्रैक्टिस सेट मस्ट होता है। यहाँ पे देख सकते हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र होता है, हिंदी होता है, उसके बाद संस्कृत, इंग्लिश, उर्दू, इनमें से एक आप लोग ले सकते हैं। उसके बाद जो है आपका इंग्लिश ले सकते हैं, संस्कृत इंग्लिश में से दोनों में से एक, प्रैक्टिस सेट की बुक देख सकते हैं, और गणित और पर्यावरणीय अध्ययन ये कंपलसरी होता है सबका, और इनकी संपूर्ण गाइड भी आती है। और इस बुक को जो है आप लोग मार्केट से परचेज कर सकते हैं, हर जगह अवेलेबल है ये बुक्स। आप लोग इसे जो है ऑनलाइन घर बैठे मंगवा सकते हैं, अमेज़न, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, कहीं से भी ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ अमेज़न की, तो आप लोग परचेज कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि पूल काउंसलिंग में एडमिशन लेने से जो है स्कॉलरशिप आती है कि नहीं आती। इसका जवाब होगा यस, बिल्कुल स्कॉलरशिप आपकी आएगी। अगर आप लोग पूल काउंसलिंग के थ्रू अपना एडमिशन करवा रहे हैं तो आपकी स्कॉलरशिप आएगी। अब हम बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन का जवाब क्या होगा कि जिनको कॉलेज मिल गया है क्या वो दूसरी बार काउंसलिंग करवा सकते हैं कि नहीं करवा सकते हैं। आइए बिल्कुल ऑफिशियल चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, जब भी मेरे चैनल पर ऐसे कमेंट आते हैं कि मुझे कॉलेज मिल गया है क्या मैं दूसरे कॉलेज में एडमिशन ले लूं, होगा या नहीं होगा, तो मैं उनको साफ साफ मना कर देता हूं, नो। क्यों मना करता हूं? क्योंकि आपकी जो है फीस भी बर्बाद होगी, उसके बाद जैसे आपको इस फेस में कॉलेज अच्छा नहीं मिला है तो पूल काउंसलिंग में भी आपको अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा, क्योंकि फेज़ फोर तो अभी बाकी है, तब तक में और भी सीटें फुल हो जाएंगी, तो बाद में तो आपको मनपसंद और भी कॉलेज नहीं मिलेगा, तो इसीलिए मैं मना कर देता हूं। बट एडमिशन हो जाता है। यहां पे देख सकते हैं जिन अभ्यर्थियों को जो है राउंड वन में सीट आवंटित की गई थी लेकिन सीट कन्फर्मेशन फ़ीस का भुगतान नहीं किया, यानी कि कॉलेज मिल गया था फाइनल फीस वो पे नहीं किए थे, उन्हें पूल काउंसलिंग यानी कि राउंड टू में भाग लेने पर पूरी फीस देनी होगी। यानी कि उसमें जो आपकी 5750 फीस कटी थी उसका कोई लेना देना इसमें नहीं होगा, पूरी फीस आपको इसमें देना पड़ेगा। 51,250 आपको इसमें पूरी फीस पे करनी पड़ेगी पूल काउंसलिंग में, अगर आपको उसमें कॉलेज मिला था। कॉलेज की एडवांस फीस 5,000 राउंड वन में भुगतान किया गया था, समायोजित नहीं किया जाएगा, यानी कि इसमें ऐड नहीं किया जाएगा, और फीस भी वापस नहीं की जाएगी 5,000 जो है कॉलेज की एडवांस फीस, जैसे आप लोग फेस वन में किए थे तो वो भी आपका जो है वापस नहीं किया जाएगा। और जैसे आप लोग राउंड वन में काउंसलिंग करवाए थे, अगर आपको कॉलेज नहीं मिला था, तो आप लोग जैसे पूल काउंसलिंग में एडमिशन लेते हैं तो फेस वन वाली यानी कि राउंड वन वाली आपकी फ़ीस वापस कर दी जाएगी। अगर पूल काउंसलिंग में भी आपको कॉलेज नहीं मिलता है, कॉलेज अलॉट नहीं होता है, तो उसमें की भी 5,000 आपको वापस कर दी जाएगी। तो मेरी बात आप लोग मानिए, जो आपको कॉलेज मिला है उसी में से आप लोग कर लीजिएगा, क्योंकि उससे अच्छा कॉलेज आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि सीटें फुल हो जाएंगी ये गारंटी है। तो अभी बहुत है, अभी फेस फोर की काउंसलिंग होना बाकी है, 5 अक्टूबर से होगी, और पूल काउंसलिंग होते होते तक जो है सीटें खाली ज़्यादा नहीं रहेंगी, मन चाह आपको कॉलेज नहीं मिलेगा। तो मेरी यही सलाह है कि आप लोगों को जो कॉलेज मिला है आप लोग जो है उसे एक्सेप्ट करिए, फीस पे करिए, उसमें आप लोग एडमिशन लीजिए। और अभी फेस थ्री की काउंसलिंग स्टार्ट है, मैं डेली आप लोगों को अपडेट देता रहता हूं ताकि आप लोग भूल ना जाएं, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों की काउंसलिंग छूट गई है, उन लोगों को कॉलेज अलाट हो गया था, वो फाइनल फीस ही नहीं सबमिट कर पाए हैं, ये गलती आपको नहीं करनी है, ठीक है। तो आज है 2 अक्टूबर, यहाँ पे देख सकते हैं चॉइस फिलिंग अभी स्टार्ट है, चॉइस फिलिंग 3-4 तक चलेगा, 4 के पहले पहले आपको चॉइस फिलिंग कर देना है, ये नहीं करना है कि 4 को मैं कर दूंगा, 4 लास्ट डेट है, ऐसा नहीं करना है। उसके बाद जो कॉलेज आप लोग लॉक किए हैं 5 तारीख को पता चल जाएगा, ठीक है, और 6, 7, 8 इन 3 दिनों में आपको जो है अपनी बकाया फीस पे करना पड़ेगा, तभी आपको वो जो सीट है कन्फर्म हो जाएगी। जैसे जिस डेट को आप लोग 46,250 वाली फीस जो है पे करते हैं, उससे फिर 3 दिन बाद, 3 दिन के अंदर मान लीजिए कि कॉलेज में आपको डॉक्यूमेंट्स लेके जाना होगा, नहीं तो वो आपका एडमिशन कैंसिल कर देंगे। शो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और ऐसे ही अपडेट पाने के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली यूट्यूब इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कुछ डाउट्स वगैरह हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, थोड़ा लेट में रिप्लाई मिलेगा बट रिप्लाई सबको मिलेगा। थैंक यू, मस्त रहें।